नमस्कार दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर हिमाचल के घने जंगलों में पहुँच चुके हैं, और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरे पार्टनर। और ये आपने गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी कर दी है? एक गाड़ी इसलिए खड़ी की भी क्योंकि अगर रास्ता बहुत घनाया, ऊपर से स्लैट आया नीचे। अच्छा, बंद है रोड, तो फिर आप इस रास्ते जाएंगे ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, ये काफी डेंजरस रास्ता है। यहाँ पर साफ पानी, काफी साफ होगा यहाँ तो। पानी साफ है, जहाँ देखो नीचे तंत्र मंत्र कर रहा है लोगों ने। ओहो, ये इस चीज के बारे में बताइए, कुछ क्यों करते हैं लोग? करते हैं कोई पंडितों के पास जाते हैं, जैसे जैसे लोग बोलते वैसे वैसे करते हैं। अच्छा अच्छा, तो वैसे है तो बहुत डरावनी जगह, यहाँ डेंजरस जगह है। जैसा कि आता है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी जंगली एरिया है और काफी डर लग रहा है मुझे भी। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो ये है हमारे यहाँ पर, तो जैसा कि आप देख सकते, देखो जी ये लोग ऐसे लोग भी जाते हैं नीचे जाने के लिए, ऐसे घरों में टंगने के लिए रंग कर। हाँ, तो ये तो लगते हैं। तो यहाँ पे तो डेकोरेशन का सामान फ्री में मिल रहा है। ये देखो, ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये आप इसको अच्छे से सजा सकते हैं घर में, जैसा कि बताया। ये हमारे साथ हैं यहाँ पर लोकल यहाँ के। तो सर ये कहाँ से पैदा होता है ये? चील, चील से ऊपर लगते हैं, जब उसके बीज होता है, साफ का बीज का एक फूल होता है। ठीक है, फूल खिलता है। ठीक है सर, ये जब सूख जाता है झड़ जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैसे तो इसे नाला बोला जाता है, लेकिन पानी आप देखिए यहाँ पर होती है इसमें बहुत। ये देखो जी, ये तो लिंगर होती है, आजकल तो खत्म हो गया, बरसात के टाइम बहुत होते हैं खाने के। ठीक है ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इतना साफ पानी कैसे है सर? ये इतना यहाँ पे ये पानी जैसे से ऊपर से हमने बहते हैं और पानी पत्थर से निकलता है, फिर घूमते घूमते। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफी साफ पानी है यहाँ पर। और संभल गया ना, संभल के। जी जी जी, यहाँ पर काफी खतरा यहाँ पर रहता है चलने में, तो जब भी आए ट्रैकिंग शूज साथ में लेकर आए। तो ये देखिए, ये देखिए, ये कोई आर्मी का यहाँ पर बंकर लग रहा है, देख सकते हैं आप। हाँ, ये देखिए आर्मी का जी पूरा, यहाँ से सामने इधर पाकिस्तान की लगता है यहाँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिक्योरिटी वाला तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जनाब लग रहा है, ये दूसरा है, माफ करना, ये दूसरा है जी। ठीक है ठीक है दोस्तों, थोड़ी मिस गाइडेंस हो गया। जैसा कि जैसे नदी आएगी पानी रुकेगा, पानी पे जाके साफ पानी नीचे को आएगा। जी जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल बंकर की तरह लग रहा है, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, बस यहाँ पर गिर गया था सर। चलिए तो थोड़ा हमें पहाड़ी जीवन के बारे में बताइए कि क्या कुछ यहाँ पे सर्दियों में रहता है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे ये लकड़ी है, ये बाण की लकड़ी है जी, ये कभी जल्दी इसका जो आंच बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ठीक है। क्या होता है, इससे थोड़ी लकड़ी डालो जी, पूरा आपका कमरा यानी बिल्कुल एकदम गर्म हो जाएगा, सीखने सेकने के लिए सबसे बढ़िया लकड़ी है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं जंगल में लकड़ी काट नहीं सकते आप, जो गिरी लकड़ी जाते हो ऐसे। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखें जब भी आप हिमाचल आए। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि तेंदुए, शेर। हाँ, तो दिखाता हूँ आपको शेर होगी कुछ। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि क्या कुछ आज रहने वाला है यहाँ पर। एक और बंकर, ये देखो ये बड़े बड़े पैर है यहाँ पे, देखिए लेकिन ये काफी खतरनाक थे यहाँ पे एरिया, पानी के लिए बनाया है डैम, पानी के लिए। ये दोस्तों ये बंकर नहीं है बिल्कुल भी, ये एक डैम है, लिटिल डैम जिसे बोल सकते हैं। और ये बचपन से यहाँ पे रहते हैं तो इन्हें पूरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। मेरा हाथ कितना, हाथ कितना। और दोस्तों समझ गए, दोस्तों समझ गए, काफी मुश्किल। चलो यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफी मुश्किल रास्ता। और या मैं ना अभी थोड़ा सांस भूल गया, सांस। तो दोस्तों यहाँ चलना बहुत मुश्किल है, देख सकते आगे हो रहा, आगे हो रहा। तो दोस्तों ये नजारा देखिए आप यहाँ पर, कितना जबरदस्त नजारा। और ये आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्पेशल आया हूँ आज, ये देखिए। तो अगर आपको कभी भी ट्रैकिंग पे आना हो हिमाचल में,
तो चार्ज जरूर आए। ये देखिए यहाँ पर ये या क्या यहाँ पर कोई कैंपिंग वगैरह का, यहाँ पर देखिए इसके बारे में कुछ बताइए। रात को लोग आग सेकते हैं ना, कीड़ी आती है शिकार करने के लिए। ठीक है शिकार करने के लिए आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर शिकार भी किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं आग जला रखी है, शायद शिकार के समय ठंड महसूस हो। साउंड आ रही ऊपर से, देखो साउंड आ रही ऊपर से, जो बकरियां वगैरह मर रही हैं इनके साथ साथ तेंदुआ भी चलता है जी। ये तो काफी खतरनाक सीन है फिर इस हिसाब से। तो दोस्तों देखते रहिए, और यहाँ पर ये हम एक चट्टान के काफी नजदीक पहुंचने वाले हैं। चलिए आज मैं आपको पूरा यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ हिमाचल के ये चलते हुए, ये देखिए यहाँ पर ये चट्टान, यहाँ पर कितनी खतरनाक चट्टान देखिए दोस्तों। चलते रहिए मेरे साथ। इधर से तो यहाँ पर रास्ता है, यहाँ पर एक और ये नीचे घर जा रहा, तो हमें यहाँ चलते जाना है, बढ़ते जाना है ऊपर। और यहाँ पर ये मुझे लगता है कि पुराने टाइम में 140 कंपनी का है ना, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये रास्ता पुराने टाइम में इस्तेमाल होगा, होता होगा। ये देखिए हमें अभी इसी से जाएंगे, ये देखिए इससे चढ़ना है, पार करना है। ओह बताइए क्या ये कोई प्राचीन रास्ता है यहाँ पर जो ये आप बड़ा कोई बंदा बीपी जिनका हाई होता वो ना आए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, कुछ सावधानियां जरूर बरतनी है। ये तो कुछ महसूस भी हो रहा है और बार बार सांस चढ़ रही है। तो दोस्तों देख करिए, ये एक आगे रास्ता बंद है, भीड़ों में जाने वाला रास्ता और आगे रास्ता बिल्कुल बंद। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, देख सकते हैं आप कितनी ऊंचाई है यहाँ पर। ये है हमारे गाइड, यहाँ पर काफी खतरनाक रास्तों से, ये देखिए दोस्तों शिकारियों का कहा है, काफी बोलबाला यहाँ पर। देख करिए बने रहिए हमारे साथ, देख सकते हैं ये है हमारे पार्टनर, और ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिरते हुए और ये यहाँ जाते आप देखो उतरने की रास्ता नहीं है, ये देखिए कितना ऊंचा है। अब ये आपको बताएंगे कि कैसे उतरना है, और ये देखिए आराम से उतरिए, और यहाँ से ये देखिए जब भी यहाँ पर आए सो ऑलवेज बी केयरफुल गाइस, नहीं होती थी ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये पहनना कभी पहनना प्यारे लगता। जब भी आए ट्रैकिंग शूज साथ में लेकर आए। तो जो आप यहाँ पर लेकर आए हैं, दो मिनट थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये रास्ता है, अब तो यहाँ पर कोई ज्यादा आवाज आवी है नहीं है, तो किस लिए ये यूज किया जाता है, थोड़ा आगे हो जाइए। जी जी अच्छा, ऊपर सीधा शहर में, ठीक है। अच्छा जो दोस्त जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये एक मात्र रास्ता होता था और जंगल के बीचों बीच निकल कर लोगों को यहाँ से जाना पड़ता था। ये देखिए ये आपने देखा, तो जैसा कि दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि कितने स्ट्रगलिंग लोग थे उस टाइम, और ये नज़ारा देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त, और यहाँ पर कितना बढ़िया ये पेड़, और ये काफ़ी मनमोहक नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। और जी तो दोस्तों ये देखिए पानी खत्म हो गया दोस्तों, ये आपको एक इंटरेस्टिंग चीज आपको हम दिखाते हैं। देखिए देखिए वहाँ से जो ये पानी यहाँ पर चल कर रहा है, और यहाँ पर ये खत्म हो गया, और आगे पानी चला हुआ, ये देखिए
और ये नदी बगी हुई बता रहे हैं कि नीचे नीचे से पानी चल रहा है। देखिए ये देखिए थोड़े अवशेष यहाँ पर, तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के लिए। तो आइए ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खौफनाक ये रास्ता, और उस टाइम लोग यहाँ से पैदल चला करते थे और यहाँ इतना घना जंगल होता था किस टाइम, लोग तीन तीन चार चार बंदे इकट्ठे होकर जाते थे बाजार के लिए क्योंकि कोई भूल न जाए, रिश्वो पड़ते थे। देखिए दोस्तों और तीन चार बंदे वहाँ वेट करेगा, जब तीन चार पांच बंदे इकट्ठे हो गए तब इस रास्ते जाएंगे, ऐसे अकेला बंदा भूल जाता है। तो दोस्तों आपको बताया कि खतरा उस टाइम काफी ज्यादा होता था, ये पूरा सूखा हुआ यहाँ पर रास्ता। ये देखिए झाड़ी है, चलिए तो मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, मुझे आगे से जाना पड़ेगा। दोस्तों देखते रहें साथ में, और ये देखिए आपको जो दिखाने की चीज है वो अभी दिखाते हैं। तो दिखाइए क्या आप किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आइए पूरा वे पानी देखो, पानी यहाँ रास्ते का हो गया पानी, ये देखिए दोस्तों आ जाइए मेरे साथ, प्रकृति का जादू आपको आज दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सूखा खंडर, और ये देखिए पानी साफ पानी, ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, और पी भी सकते हैं। ये जो पानी जो आपको ऊपर हमने दिखाया था ये बिल्कुल सूखा, ये देखो पानी बिल्कुल साफ है, देखो ये देखो दोस्तों बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन पानी। तो दोस्तों ये चीज आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी हिमाचल में ही, देख सकते हैं ऊपर कुछ। चलिए अब अभी तो पता ताजा दिमाग काम कर रहा है। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। सो दर्शकों के लिए कोई आई जब भी आना घूमने, पांच छह आओ घूमने, केले मतड़ा जहाँ तेंदुए राग सब घूमता है, सांप भी होते हैं, और जहाँ तक भी हम तो चलो आगे चप्पल में सैंडल में, आप लोग जूते पहन के आना। और तो, जी और जो ये लोग हैं ये देखिए यहाँ पर घूमने शायद आए हैं, प्लास्कट इसका पॉलिसीन का मत प्रयोग करो, ये हानिकारक है सबके लिए। ठीक है सर, ये बोतलें वगैरह तो अपने वापस लेके जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया आपको हमने एक जगह दिखाई जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों कठिन रास्तों से निकलते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। जी अंकल जी, तो ये नहीं 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 मेरे को नहीं, मेरे को बताओ इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है सांप सूंप कुछ? नहीं हो भी सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पर इनसे पूछते हैं इसके बारे में। तो अंदर का माहौल कैसा है थोड़ा सा आगे आके बताइए कैसा? ठंडा भी नहीं लग रहा, गर्म जैसा लग रहा है मौसम, यानी मतलब बाहर से बंद है सुरंग जैसी। तो कोई तो दोस्तों हम वापस चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये पानी है।